डियर स्टूडेंट्स, आज अपन योनियों की सीरीज के अंदर चौथा वीडियो बना जा रहे हैं। पहला वीडियो है वो अपन ने योनियों के मॉर्फोलॉजी के ऊपर बनाया था, दूसरा वीडियो है वो योनियों की इंटरनल एनाटॉमी का बनाया था, और तीसरा जो वीडियो है वो अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी योनियों बनाया था, और आज अपन चौथा जो टॉपिक है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं, और वो है डाइजेस्टिव सिस्टम इन यूनियो। अमूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जब भी किसी एनिमल का अपन सिस्टम पढ़ते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम पहले पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी बात के बाद में, इंटरनल एनाटॉमी के बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, लेकिन अपन ने यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था। वो इसलिए कि आपको गिल की संरचना बताने के लिए और वाटर की करंट है वो बॉडी के अंदर कैसे प्रवेश करती है और कैसे बाहर निकालती है, इसलिए अपने को यूनियों की गिल की स्टडी करना आवश्यक हो गया था डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले। अब अपन शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जो है पाचन तंत्र है। वह पहली बात तो ये कि पाचक है क्या, डाइजेशन है क्या। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करना डाइजेशन कहलाता है। दूसरी बात यह है कि डाइजेशन आवश्यक क्यों है, भोजन का अवशोषण करने के लिए डाइजेशन आवश्यक है, अदरवाइज क्या होगा। बड़े जो फूड मटेरियल कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, आपने खा तो लिए लेकिन अगर डाइजेशन नहीं होंगे तो वो ब्लड के अंदर अब्सॉर्ब नहीं होंगे, इसलिए उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, इसलिए डाइजेशन बॉडी के लिए आवश्यक होता है। यूनियो के अंदर जब अपन इसका सिस्टम पढ़ेंगे तो दो चीजों का मेन जो संरचनात्मक पार्ट है वो दो है, एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ग्रेन। ये दो चीज संरचनात्मक है, उसके बाद में प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले अपन एलिमेंट्री कैनल लेते हैं। ये यहां पर अपन ने यूनियो का डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम में ये बाहर का कवच दिखा रखा है। कवच के अंदर ये अपन इसके टच करते हुए बिल्कुल से ये क्या दिखा रखा है, मेंटल दिखा रखा है, ठीक है। बाकी खूब सारी संरचनाएं इसमें होती है, अपने पिछले वीडियो में आपने बिल्कुल देखा होगा, उन चीजों का अपन यहां पर जिक्र नहीं करेंगे, केवल और केवल डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जो संरचना है केवल है उसका अध्ययन करेंगे यहाँ पे। यहाँ पर देखिए ये अडक्टर मसल्स दिखा रखी है, आगे वाली ये पीछे वाली अडक्टर मसल्स दिखा रखी है। सिंपली एक बार मैं आपको इसकी पोजीशन बता देता हूं कि यहां से अपन ने क्या किया, मेंटल को एक बार हटा रखा है, ठीक है। अपन ने यहां पर पोजीशन जरूर दे रखी है ये मेंटल की, बट यहां से मेंटल हटाया हुआ है, तभी आपको मसल्स दिख रही है, तभी आपको फुट दिख रहा है, और तभी इसकी एलिमेंट्री कैनाल दिखाई दे रही है। यहां पर देखिए कि ये जो फुट मसल्स है कौन सी, एंटीरियर अडक्टर मसल्स, उसके पोस्टीरियर वेंट्रली यहां पर माउथ होता है, ये माउथ दिखाया अपन ने। इस माउथ के बाद में इसोफेगस, ये नलिकाकार संरचना इसोफेगस है। इसोफेगस के बाद में ये अपन ने स्टोमक दिखाया है, और स्टोमक के बाद में ये कुंडलित नलिका दिखाई है, ये क्या है, इंटेस्टाइन, कोल्ड इंटेस्टाइन, कुंडलित इंटेस्टाइन है, जो कि यहां फुट दिखा रखा है, इस फुट के अंदर भी वो कुंडलित होकर के पड़े रहती है, और उसके बाद में निकल करके ऊपर की साइड में डोर्सल साइड में ये जो रेड कलर का दिखा रखा है ये क्या है, पेरिकार्डियल साइनस, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, इसके अंदर से होकर के हार्ट के अंदर से नहीं गुजर रहा है, यहां पे ये देखिए जो ये पेरिकार्डियल है उसके अंदर से होकर, ये यहां पर अपन हार्ट दिखा रखा है, इसके ऊपर से होकर के आती है, और उसके बाद में पोस्टीरियर अडक्टर मसल्स के पास में आकर खुलती है, और जो एक्सक्रेंट साइफन है उसके द्वारा जो पानी निकलता है वहां पे ये अपना एक्सक्रीटा छोड़ देती है। अब अपन एक एक को लेते हैं। सबसे पहले माउथ कहां पर बताया, एंटीरियर अडक्टर मसल्स के पोस्टीरियर वेंट्रल साइड के ऊपर, पश्चिम अधस्तय के ऊपर माउथ होता है। अब माउथ क्या है, एक स्लिट है, केवल एक छिद्र है, किसे बनाई है, इसके माउथ के चारों तरफ दो जोड़े अपन ने बताए थे, पहले भी बताए थे, लेबियल पाल्प पाए जाते हैं, लेबियल पाल्प, और उसमें एक जोड़ी जो आगे वाला होता है वो लेबियल पाल्प इस तरीके से फ्यूज होता है कि अपर लिप का निर्माण करता है,
और जो एक दूसरा जो जोड़ी होता है लेबियल पाल्प, वो लेबियल पाल्प है वो क्या करता है, फ्यूज होकर के लोअर लिप का निर्माण करता है। तो यहाँ पर लिप नहीं है, केवल जो ये लेबियल पाल्प है वही क्या करते हैं, अपर लिप का निर्माण और लोअर लिप का निर्माण करते हैं। और इन्हीं के निर्माण से क्या बन जाता है, माउथ का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी उसके बीच में जो स्पेस रहता है वही माउथ कहलाता है। अब ये लेबियल पाल्प है। अब लेबियल पाल्प के अंदर भी इनकी संरचना अगर अपन देखें तो इनमें भी फोल्ड पाए जाते हैं, क्योंकि ये जंतु क्या है, फिल्टर फीडर है, ठीक है, निस्पंदनकारी असर करता है ये सॉरी निस्पंदनकारी असर करता है। तो यहां पर इस लेबियल पाल्प में भी छोटे छोटे फोल्ड पाए जाते हैं जो भोजन के पार्टिकल की सॉर्टिंग करने का काम करता है, उनको छांटने का काम करता है। तो ये माउथ किस में खुलता है, माउथ खुलता है इसोफेगस में। तो इसोफेगस क्या है, केवल आमाशय और माउथ को जोड़ने वाली एक नलिका होती है जिसके अंदर एपिथेलियल सेल पाई जाती है और उसके अंदर सीलिया पाए जाते हैं ताकि भोजन का जो है मूवमेंट किसकी तरफ करते हैं, आमाशय की तरफ करते हैं। अब देखिए यहां पर आता है ये आमाशय, काफी बड़ा आमाशय होता है, लेकिन यहां इस आमाशय के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है डोर्सल पार्ट और एक होता है वेंट्रल पार्ट और डोर्सल पार्ट। क्या होता है इसमें, इस डोर्स वेंट्रल पार्ट होते हैं उसको स्टाइल सेक भी बोलते हैं, स्टाइल सेक। किसको, दो पार्ट पता है, ये वाला पार्ट है वो डोर्सल पार्ट है और दूसरा पार्ट है वो वेंट्रल पार्ट है। डोर्सल पार्ट के अंदर क्या चीज है, सबसे पहले ये लेते हैं डोर्सल पार्ट। इस डोर्सल पार्ट के अंदर, इस डोर्सल पार्ट के अंदर यहां पे देखिए दो छिद्र होते हैं, वो छिद्र डाइजेस्टिव ग्लैंड से आने वाली डक्ट यहां पर आकर के खुलती है डोर्सल पार्ट में। किसमें, डोर्सल पार्ट में डाइजेस्टिव ग्लैंड अपन ने कहां बताइए, लीवर के ऊपर, वो उनकी डक्ट आकर के उनकी नलिका आकर के यहां पर खुलती है डोर्सल स्टमक के अंदर। दूसरा डोर्सल स्टमक किसमें खुलता है, इसोफेगस में। और तीसरा डोर्सल स्टमक किसमें खुलता है, इधर वाले पार्ट में जिसको अपने वेंट्रल पार्ट का है और ये जाकर के इंटेस्टाइन में खुलता है। दूसरा पार्ट अपन ने बताया वेंट्रल पार्ट या स्टाइल सेक नीचे वाला पार्ट कहलाता है, स्टाइल सेक है वो आमाशय के नीचे वाला पार्ट है। देखिए अपन यहां पर आमाशय बनाने का, ये देखिए ये आमाशय और ये इंटेस्टाइन, यहां पर ये इसोफेगस, इसोफेगस किसमें खुला, डोर्सल पार्ट में। तो डोर्सल पार्ट में केवल दो छिद्र है जहां आकर के डक्ट खुलती है। फिर आता है वेंट्रल पार्ट, ये वाला वेंट्रल पार्ट है। इस वेंट्रल पार्ट में इसका दूसरा नाम क्या बताया, स्टाइल सेक। और इस स्टाइल सेक के अंदर एक छड़ होती है इस तरीके से, इसका नाम है क्रिस्टेलाइन स्टाइल। ये क्रिस्टलाइन स्टाइल किसकी बनी होती है, म्यूकोप्रोटीन की बनी होती है। अच्छा दूसरी चीज क्या है, इसके ऊपर सीलिया भी पाए जाते हैं छोटे छोटे, ये म्यूकोप्रोटीन की बनी हुई है। अब इसका मूवमेंट होता है आमाशय के अंदर, इसका इस तरीके से मूवमेंट चलता रहता है, लेकिन ये जब मूवमेंट होता है तब तो यह यहां आकर के ये जोर से टकराती है, किसके, स्टमक की वाल के टकराती है। जैसे ये टकराएगी तो स्टोमक की वाल के जहां पर आकर के ये टकराती है वहां पर स्टोमक की वाल थोड़ी सी ठीक होती है। तो ये जब जैसे इसके आके टकराएगी तो इसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे, वो टुकड़े यहां पर स्टोमक में गिर जाते हैं और उन्हीं के अंदर इसका एंजाइम होता है, क्योंकि ये बनी हुई किसकी है, म्यूकोप्रोटीन की, म्यूकोप्रोटीन का ये क्रिस्टलाइन स्टाइल बना हुआ है। ये भोजन जैसे ही आता है मूवमेंट करता है तो आमाशय की दीवार से टकराता है, आमाशय की दीवार से टकराता है तो इसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और वही टुकड़े क्या करते हैं, उन्हीं में एंजाइम होता है।
कौन सा एंजाइम होता है? अमाइलेज होता है और ग्लाइकोजिनेज, अमाइलेज, अमाइलेज और ग्लाइकोजिनेज। तो ये एंजाइम क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। तो ये इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। दोबारा बता देता हूं मैं, इसोफेगस आकर के खुला आमाशय में, आमाशय में क्या है? डोर्सल पार्ट जिसमें ग्लैंड आकर के, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसकी डक्ट आकर के खुलती है। इस डक्ट से क्या होता है कि एक छिद्र से तो पचा हुआ भोजन अंदर जाता है किसके? डाइजेस्टिव ग्लैंड के, और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड में अपशिष्ट पदार्थ होता है वो इस पोर्शन दूसरे छिद्र के द्वारा बाहर आता है। दूसरा अपने पोर्शन कौन सा बताया? वेंट्रल चेंबर या स्टाइल सेक। उस स्टाइल सेक में एक छड़ है जिसका नाम क्या है? क्रिस्टलाइन स्टाइल, और वो क्रिस्टलाइन किसकी बनी होती है? म्यूकोप्रोटीन की। और ये छड़ का मूवमेंट जब होगा तो ये आमाशय की दीवार पे टकराती है। जिस स्थान पे ये दीवार पे टकराती है वहां पर आमाशय की दीवार थोड़ी मोटी होती है, और जैसे जैसे ये टकराती है इसके टुकड़े होते हैं, और इन्हीं टुकड़ों के अंदर एंजाइम होते हैं, कौन सा? अमाइलेज और ग्लाइकोजिनेज, और वही भोजन का पाचन करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से ये हमने क्या बताया आपको स्टमक के बारे में। अब नेक्स्ट रहते हैं स्टमक के बाद में क्या? इंटेस्टाइन। तो ये यहां पर जो इंटेस्टाइन है वो कुंडलित है, एकदम कोल्ड इंटेस्टाइन है। और दूसरी उसकी विशेषता क्या है कि नीचे तक आकर के ये फुट में दसी हुई है, और गोनेड्स भी इसके चारों तरफ, देखिए ये गोनेड्स दिखा रखे अपन ने, ये गोनेड्स है, गोनेड्स भी क्या है इस इंटेस्ट कोल्ड इंटेस्टाइन के ऊपर लिपटे हुए, और ये गोनेड भी फुट में दसे हुए। तो यहां पर एलिमेंट्री कैनाल गोनेड्स का पार्ट जो है वो फुट के अंदर दसा रहता है, तो ये कोल्ड इंटेस्टाइन है। ये कोल्ड इंटेस्टाइन है, इसमें डाइजेशन की क्रिया ना के बराबर होती है। कुछ का यह मानना है कि इसमें अमीबोसाइट सेल होती है, फेगोसाइटिक सेल्स होती है, जो कुछ हद तक भोजन का डाइजेशन का काम करती है। लेकिन ये मेन काम क्या है इसका? ये क्या करती है? जो फिकल मैटर होता है, जो 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 अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना है उसको पैलेट्स में बनाती है। फिकल पैलेट्स, फिकल पैलेट्स बनाने का काम करती है ये गोलियां। अपशिष्ट पदार्थ को है वो गोलियों के रूप में वो कन्वर्ट करने का काम करती है। ये इंटेस्टाइन ऊपर देखिए पेरिकार्डियल साइनस से होकर के गुजरता है, और उसके बाद में उसका पोर्शन क्या कहलाता है? रेक्टम। रेक्टम अपने आप में थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, इसमें भी क्या फोल्ड पाए जाते हैं, किसमें? रेक्टम में। और उन फोल्ड को क्या कहते हैं? टिफ्लोसोल, टिफ्लोसोल, टिफ्लोसोल इसमें फोल्ड होते हैं, और वो रेक्टम आकर के किसमें खुलता है? एनस में। और यही एनस क्या करता है? अपना जो अपशिष्ट पदार्थ है किसके रूप में? गोलियों के रूप में, पैलेट्स के रूप में, उसको बाहर बहती हुई जलधारा में छोड़ देता है, और एक्सक्रेंट साइफन के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये संरचना मैंने आपको बताई एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल के बाद में क्या? क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में अपन ने क्या देखा? माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, और एनस है। उसके बाद में लेते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो यहां पर डाइजेस्टिव ग्लैंड देखिए स्टमक के ऊपर चारों तरफ लिपटी रहती है, एक एक लोब के रूप में लिपटी रहती है, और ये लगभग ग्रीन या ब्राउन कलर की होती है, और इसकी डक्ट आकर के इसमें खुलती है। ये एंजाइम भी सीक्रेट करती है, यानी यहां पर इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होता है, यानी यहां से जब भोजन अंदर जाएगा तो ये पाचन की क्रिया करेगी अंदर, तो इसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होता है, और यहां पर भी पाचन हो रहा है, इसका मतलब एक्स्ट्रासेलुलर भी पाचन होता है। तो ये इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जिसको लीवर भी बोलते हैं। फिर आता है फूड एंड फीडिंग। अब फूड क्या है? इसका भोजन क्या है? फिल्टर फीडर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, किसके लिए? योनियों के लिए। ये निष्पंदन असरकारी भोजन करता है, फिल्टर फीडर है, भोजन को एकदम से फिल्टर करके फिर ग्रहण करता है। और इसका भोजन क्या होता है? मेनली डायटम्स, प्रोटोजोन्स, डेब्रिस पदार्थ है वो इसका भोजन होते हैं। तो बहुत ही सूक्ष्म कण है, जो माइक्रोब्स है, बहुत ही
छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसके भोजन के, प्रोटोजोन्स बहुत छोटे होते हैं, डायटम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, प्लैंकटोनिक फीडर है ये, प्लैंकटोनिक फीडर है, निष्पंदनकारी असर करता है। तो वो भोजन ये इसका भोजन है। अब ये फीडिंग कैसे करता है, देखिए अपन ने सबसे पहले बताया माउथ, यहां पर तो है माउथ, और माउथ के दोनों तरफ क्या है, लेबियल पाल्प है, लेबियल पाल्प, और लेबियल पाल्प से जब भोजन यहां पर प्रवेश करेगा, लेबियल पाल्प से जब भोजन यहां पर प्रवेश करेगा माउथ से, तो किसमें आएगा, इसोफेगस में, और इसोफेगस में क्या नलिकाकार संरचना है, केवल माउथ और स्टमक को जोड़ने का काम करता है। अब भोजन आ गया आमाशय में, आमाशय में क्या है, डोर्सल पार्ट, ध्यान से सुनिए आप, ये डोर्सल पार्ट है जिसमें दो छिद्र है ग्लैंड के आकर के खुलते हैं। दूसरा अपन ने नीचे वाला पोर्शन कौन सा बताया, वेंट्रल चेंबर, जिसका दूसरा नाम क्या बताया, स्टाइल सैक, और उस स्टाइल सैक में एक छड़ बताई थी उसका नाम क्या है, क्रिस्टलाइन स्टाइल, तो वो यहां पर वो दूसरी चीज है। तो यहां पर जैसे ही भोजन आएगा इस स्टाइल को मूवमेंट होगा, स्टाइल में मूवमेंट होगा तो स्टाइल के टुकड़े टूटेंगे, इसमें एंजाइम, वो टुकड़े में ही क्या होता है, इसके एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम्स कौन से बताए अपन ने, ग्लाइकोजिनेज और अमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे, और पाचन होने के बाद में ये जो वाला पोर्शन है डोर्सल पोर्ट है वो सॉर्टिंग का काम करता है। देखिए सॉर्टिंग का काम कैसे करता है, कि यहां पर जब भोजन का पाचन हो गया तो जो भोजन पाचन हो गया उसको इस छिद्र के द्वारा किस में भेज देता है, लीवर के अंदर, ठीक है, और लीवर के अंदर क्या होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, भोजन का और पाचन हो गया, और जिसका जिसका पाचन हो गया उसका अवशोषण भी यहां पर हो जाता है। बाकी जो अवशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, वो इस छिद्र के द्वारा यहां पर आता है। जब वो वेस्ट मटेरियल यहां पर आता है तो ये सॉर्टिंग का काम करता है। सॉर्टिंग का काम कैसे करता है, देखिए एक तो जो पचाने वाला भोजन है उसको तो इसने भेज दिया लीवर में, वहां से जो वेस्ट मटेरियल आया वो यहां पर आया, उसको यहां पर ये क्या करता है, इंटेस्टाइन में भेज देता है। इसके अलावा यहां पर वेंट्रल चेंबर के अंदर जो भोजन का डाइजेशन होता है वहां पर भी जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी ये यहां पर भेजने का काम करता है। यानी ये दोनों वेस्ट मटेरियल को इंटेस्टाइन में भेजने का काम करता है, लेकिन दोनों मटेरियल है वो सेपरेट रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर डाइजेशन की क्रिया होने के बाद में जो अपचित भोजन है जिसका कुछ आगे और अवशोषण हो सकता है वो कहां पर आएगा, इंटेस्टाइन में, और इस इंटेस्टाइन के अंदर माना जाता है कि फेगोसाइटिक सेल्स होती है जो कुछ हद तक पाचन का काम करती है, लेकिन वो न के बराबर होता है। उसके बाद में ये आकर के भोजन किस में आ जाएगा, रेक्टम में, और रेक्टम उसमें से थोड़ा सा पानी का अवशोषण करता है, उसके बाद में एनस के द्वारा बाहर जाती हुई जल की धारा के साथ में उसे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार से ही इसमें डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। अब अपन इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट छोड़ रखा है वो है फिल्टर फीडिंग का। ये फिल्टर फीडिंग करता कैसे है, देखिए अपन ने यहां पर एक डायग्राम बनाया है, वाटर एंड फूड करंट इन यूनियो, क्योंकि पानी तो यहां से आ रहा है और माउथ यहां पर है, तो ये फिल्टर फीडिंग कैसे करता है, देखिए ये इनहेरेंट साइफन, ये अपन ने यूनियो का चित्र बना रखा है। इसमें देखिए आप ये गिल दिखा रखे हैं, ये गिल है, एलिमेंट्री कैनाल नहीं दिख रही है इसमें, ये गिल्स है, ये माउथ है, ये दो दो जोड़ी क्या बताए थे अपन ने, लेबियल पाल्प है, ठीक है। यहां पर ये एक्सकरेंट साइफन है और ये इनकरेंट है। अब इस इनकरेंट साइफन के द्वारा पानी अंदर प्रवेश करेगा, पानी क्यों प्रवेश करेगा, लेटर सिलिया, ये जो गिल है अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इन गिल, ये जो गिल है किसके बने होते हैं, गिल फिलामेंट के, और इन गिल फिलामेंट के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सीलिया होते हैं। तो जैसे लेटर सीलिया का मूवमेंट होगा तो वैक्यूम बनेगा, तो पानी इसके अंदर प्रवेश करेगा। अब जो पानी प्रवेश किया है उसी से तो ये ऑक्सीजन लेगा, उसी से इसमें भोजन पार्टिकल होगा, और इसको जो उत्सर्जित करना होगा वो भी वो बाहर उसको एक्सक्रेंट
साइफन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए ये इनकरंट साइफन के द्वारा पानी प्रवेश कर रहा है, ये पानी प्रवेश करने के बाद में देखिए यही पानी एकदम गिल्लों के पास में भी चल रहा है, थोड़ा नीचे भी चल रहा है। यहां से पानी देखिए गिल्लों के ऊपर आता हुआ दिखाया अपन ने, ये गिल्लों के ऊपर आ रहा है किसके द्वारा, ओस्टिया के द्वारा। और ओस्टिया से किस में आएंगे, वाटर ट्यूब में, इनके अंदर अपन ने वाटर ट्यूब पढ़ी थी पिछले वीडियो में। और वाटर ट्यूब से पानी किस में आएगा, सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर में। ये नीचे जब पानी प्रवेश किया है तो इस चैम्बर का क्या नाम है, इन्फ्रा ब्रेंकियल चैम्बर, इन्फ्रा ब्रेंकियल चैम्बर। और ऊपर कौन सा होता है, सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर। तो ये जब पानी प्रवेश करेगा तो ये पानी किस में जाएगा, गिलों के ऊपर, यानी ओस्टिया से गिलों में प्रवेश करेगा, वाटर ट्यूब के संपर्क में आएगा, वाटर ट्यूब में आएगा। और वाटर ट्यूब में आकर के बाद में ये कहां से देखिए, ये सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर से होते हुए जो एक्सकरंट साइफन है उसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो होगा वाटर करंट। अब वाटर करंट देखिए, इनकरंट साइफन से प्रवेश किया, इन्फ्रा ब्रेंकियल चैम्बर में आया पानी, ओस्टिया में आया, ऊपर गया ओस्टिया में गिल में, अपने गिल की संरचना पड़ी है, वाटर ट्यूब में आएगा, सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर, सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर में आया, उसके बाद में एक्सकरंट साइफन के द्वारा पानी बाहर निकल जाता है। तो ये प्रक्रिया अपन ने बताई है वो कौन सी है, वाटर करंट। अब फूड इसमें कैसे प्रवेश करता है, फीडिंग कैसे होती है, जैसे जैसे पानी प्रवेश करेगा तो अपने गिल की संरचना में पढ़ा था कि गिल के नीचे वेंट्रल साइड में क्या होती है, फूड ग्रूव होती है। यहां पर एक फूड ग्रूव होती है, अपन ने बताया था फूड ग्रूव। तो जो छोटे पोषण के पार्टिकल्स है वो इस फूड ग्रूव से होते हुए, इस फूड ग्रूव से होते हुए कहां पर आएंगे, लेबियल पाल्प तक। और लेबियल पाल्प फिर सोर्टिंग की क्रिया करता है और भोजन को कहां भेजता है, माउथ तक। इसके अलावा क्या है, यहां पर लेटरल जो सीलिया है वो लेटरल सीलिया के मूवमेंट के द्वारा क्या होगा, इस यहां पर जो पार्टिकल है, भोजन के पार्टिकल है, उसको वो गिल की तरफ फेंकेगा। गिल की तरफ फेंकने से क्या होगा, तो छोटे पार्टिकल तो वापस फूड ग्रूव में आ जाएंगे और यहां से इसमें प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन जो बड़े फूड के पार्टिकल्स हैं, वो बड़े फूड के पार्टिकल्स यहां से गिलों के ऊपर से नीचे मेंटल कैविटी में गिर जाते हैं। और मेंटल कैविटी में गिरने के बाद में क्या होगा, यहां जो सीलिया है वो जो ये जो गिल है वो म्यूकस स्रावित करते हैं और वो म्यूकस नीचे आकर के उस भोजन के चिपक जाती है। भोजन के चिपकने के बाद में जैसे जैसे इन सीलिया का मूवमेंट होगा वो म्यूकस विद फूड पार्टिकल्स आगे की तरफ भेज दिए जाएंगे। वो आगे की तरफ कहां जाएंगे, लेबियल पाल्प में। अब अपन अगर लेबियल पाल्प को भी अगर देखें तो उसमें भी क्या है, बहुत सारे ग्रूव्स है, फोल्ड है, खूब सारे फोल्ड है। ये क्या करता है, भोजन का फिर सोर्टिंग करता है, भोजन को फिर छांटने का काम करता है। तो छोटे फूड पार्टिकल्स को तो कहां भेज देता है, आमाशय के अंदर। और बड़े जो फूड पार्टिकल है जिसको ये ग्रहण नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता, उनको क्या करते हैं, इनका मूवमेंट, लेबियल पाल्प का मूवमेंट उसको रिजेक्ट कर देता है और ये फूड पार्टिकल्स नीचे से मेंटल कैविटी से यहां से ये बाहर निकल जाता है। इसलिए अपने इसको क्या दिखाया, ये रिजेक्शन पाथ दिखाया, रिजेक्शन पाथ। वो फूड के पार्टिकल जो बड़े हैं या उसको ये लाइक नहीं करता, उनको ये जो लेबियल पाल्प पर छिटक करके अलग कर देता है और वो पार्टिकल्स है वो बाहर आ जाते हैं, इसलिए उसको अपन ने रिजेक्शन पाथ कहा। यहां से भोजन अब किस में प्रवेश करेगा, माउथ में। अब माउथ में प्रवेश करने के बाद में किस में आएगा, स्टमक में। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं, क्योंकि यहां से अपन ने देखा कि यहां पर भी फूड ग्रूव में भोजन चल रहा है, वो भी म्यूकस के साथ में जुड़ करके चल रहा है। और जो नीचे मेंटल कैविटी में गिर गया, जो फूड पार्टिकल बड़ा है वो भी मेंटल की सीट्स बना लेते हैं, मेंटल की म्यूकस की सीट्स बना लेते हैं और म्यूकस विद फूड पार्टिकल यहां पर प्रवेश कर रहा है। और जैसे ही वो आमाशय में आएगा तो आमाशय की कम पीएच की वजह से, विस्कोसिटी कम होने से वो क्या होगा, म्यूकस अलग हो जाएगा और फूड पार्टिकल्स अलग हो जाएगा। उस फूड पार्टिकल्स को यहां पर पाए जाने वाले स्टाइल शेक के जो टुकड़े हैं, वही टुकड़े जिसमें एंजाइम है, वो भोजन का पाचन करते हैं और पचा हुआ भोजन छिद्र के द्वारा लीवर में आता है और लीवर में अवशोषण भी हो जाता है और जो वेस्ट मटेरियल है वो दूसरी छिद्र के द्वारा डोर्सल चैम्बर में आ जाता है, डोर्सल चैम्बर उसको इंटेस्टाइन में भेज देता है। और इसके अलावा जितना भी अपचित भोजन है वो भी भोजन है वो किस में चला जाता है,
इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन का काम मेनली क्या है, फीकल पैलेट्स बनाने का है, जो उत्सर्जी पदार्थ, जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना है उसको केवल गोलियों के रूप में कन्वर्ट करने का काम करता है। और वो गोलियों से अगर थोड़ा बहुत पानी का अवशोषण हो रह जाता है तो वो रेक्टम में टिफ्लोसोल के द्वारा आता है और वो अपचित भोजन है वो यहाँ पर आ जाता है किसमें, सुपरा ब्रेंकियल चेम्बर में, और सुपरा ब्रेंकियल चेम्बर से वो किसमें निकल जाता है, बाहर बहती हुई जलधारा के साथ में बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, यूनियो है। आपको समझ में आ गया होगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको देखनी है, और प्लेलिस्ट देखने के बाद में मैं इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूनियो के बारे में उन सभी क्वेश्चंस का जिक्र करूंगा। इसलिए आप लगातार वो सारे के सारे वीडियो और क्रम से वो देखते चले। थैंक यू।